बिहार के गया रोडरेज मामले में मुख्य आरोपी रॉकी यादव की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और उसे जल्द से जल्द जेल भेजने का आदेश दिया है। दरअसल पटना हाई कोर्ट ने पिछले दिनों आदित्य सचदेवा हत्याकांड के मुख्य आरोपी रॉकी यादव को जमानत दे दी थी, जिसके बाद बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की जमानत के फैसले पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि रॉकी यादव एमएलसी मनोरमा देवी और बाहुबली बिंदी यादव का बेटा है, जिस पर इसी साल मई महीने में कारोबारी के बेटे आदित्य सचदेवा की हत्या का आरोप है। दरअसल आदित्य अपने दोस्तों के साथ एक जन्मदिन की पार्टी मनाकर वापस घर लौट रहा था। उसी दौरान रॉकी यादव आदित्य की गाड़ी से पास मांग रहा था। पास नहीं दिए जाने पर आरोप है कि रॉकी ने आदित्य की गाड़ी पर फायरिंग की और आदित्य की गोली लगने से मौत हो गई। एक नाटकीय घटनाक्रम के बाद रॉकी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आदित्य के पिता ने खुशी जाहिर की है और कहा है कि न्याय के मंदिर पर मेरा भरोसा बढ़ा है। मेरा दुख तो जैसा का तैसा ही है, लेकिन आज मेरे बेटे को इंसाफ मिला है और साबित हो गया कि अपराधी कानून से बढ़कर नहीं है। देखते रहिए डीबी लाइव।